न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था, और अब हम है ना जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है, हमारी लाइफ में सब जगह अवेलेबल है, यानी ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां फ्रिक्शन न अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज और टू बॉडीज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज और बिटवीन टू बॉडीज, बॉडीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट सरफेसेज एंड रिलेटिव मोशन। When two bodies or two surfaces in contact if have relative motion, then friction force acts between the two bodies to oppose the relative motion. or to oppose the tendency of relative motion. थोड़ा दोनों बातें आप समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट है और उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है ये हमेशा ट्राई करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने का, या ये कहिए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने का। जैसे मान लो रिलेटिव मोशन ना भी हो तो भी टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स इज माइक्रोस्कोपिकली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। अब आप इस बात को समझिए कि माइक्रोस्कोपिकली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। देखिए, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंसेज हैं, सब में एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस, सब कुछ है ना। तो जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, मान लो ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के अंदर मटेरियल है, तो इसमें एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब कुछ है। इसके ऊपर अगर मान लो कोई ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक चुपचाप रखा है जब तो ठीक है, क्या होगा, रखे रखे इसके जो कॉन्टैक्ट है ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं बताता हूँ। इसके जो ब्लॉक के जो एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस वगैरह जो हैं, है ना, होंगे तो सही, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, फिर ग्राउंड का भी कोई मटेरियल है ही, उनमें भी होंगे ये सब। तो ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ इनके बीच में इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाती है। चाहे कितना ही स्मूथ सरफेस हो, मोस्ट स्मूथ सरफेस जो होगा
उसमें भी इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाएगी, आपस में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन इसको आपस में इंटरलॉक कर देगा। अब अगर आप इस ब्लॉक को खिसकाना चाहते हैं तो यू हैव टू एग्जर्ट सम फोर्स, और कितना फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा, इतना फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉकिंग हुई है या जो भी आपकी इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग खत्म हो जाए, ये इंटरलॉकिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, तब ये बॉडी मोशन में आएगी। जब तक आपने इंटरलॉकिंग डिस्ट्रॉय नहीं करी, बॉडी मोशन में नहीं आएगी। कुल मिलाकर के हमने क्या कहा, हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज और टू बॉडीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट सरफेसेज, है ना, एंड रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन जब होगी तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, टू बॉडीज और टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट इफ हैव रिलेटिव मोशन देन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द बॉडीज टू अपोज द रिलेटिव मोशन, ध्यान दीजिए, टू अपोज द रिलेटिव मोशन और टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो तो ही अपोज करेगा, मान लो रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है लेकिन टेंडेंसी है मोशन की, तो उस टेंडेंसी का भी अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, राइट, ये आपका यहां पर फोर्स आ गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि एक मिनट जरा, फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा फोर्स होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स पाए जाते हैं। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे करके इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके घर पर फ्लोर है, अब घर है तो फ्लोर भी होगा ही घर में, है ना, फ्लोर है, किसी कमरे का फ्लोर है, है ना? अब इस पर मान लीजिए कोई बड़ा बॉक्स रखा है, भारी बॉक्स। अब बेटा ये बॉक्स जो है यहाँ रखा है, या सोफा रखा है, या पलंग रखा है, तो रखा है, भारी है बॉक्स, राइट। अब ये कई दिनों से रखा है तो इसके जो है ना यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन गए हैं, यहाँ पर क्या बन गए, कॉन्टैक्ट बन गए, इंटरलॉकिंग क्रिएट हो गई है। हाँ जी, कोई भी चीज़ जब कहीं रखी रहती है तो रखे रखे उसमें वैसे तो दो चार सेकंड में ही इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाती है। हाँ, मतलब जैसे हमने कोई चीज़ रखी, रखने के बहुत कम टाइम में ही इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाती है। अब ये इंटरलॉकिंग खड़ी हो गई, अब आप इस बॉक्स को खिसकाना चाहते हैं, तो खिसकाना चाहते हैं तो आपने क्या किया कि सपोज स्मॉल फोर्स एफ लगाया। जब आपने स्मॉल फोर्स एफ लगाया तो बॉक्स नहीं खिसका, तो इसका मतलब, इसका मतलब ये बॉक्स अपोज कर रहा है। आपने फोर्स एफ लगाया, बॉक्स नहीं खिसका, इसका मतलब अपोज कर रहा है। तो कितना अपोज कर रहा है, उतना ही अपोज कर रहा है जितना आप इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा अपोज कभी नहीं करेगा, ज्यादा अपोज कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप इस पर फोर्स लगाए ही ना, तो ये अपोज भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, वो पता है क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेज, ध्यान दो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेज व्हेन देर इज नो मोशन, व्हेन देर इज नो मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आप बात को समझिए, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेज व्हेन देर इज नो मोशन
इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल एंड इक्वल टू द नेट अप्लाइड फोर्स। अब आप बात का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक बॉक्स है, बहुत भारी है, आपने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, जीरो फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। फिर आपने इस पर एफ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी एफ होगा। अगर आप इस पर 2F फोर्स लगा दें तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2F हो जाएगा। अगर आप इस पर 12F फोर्स लगा दें तो फ्रिक्शन फोर्स भी 12F हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस पर 512F फोर्स लगा दें तो फ्रिक्शन फोर्स भी 512F हो जाएगा। अगर ये चलेगा नहीं तो जब तक नहीं चलेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो जब तक ये ब्लॉक चलेगा नहीं, जब तक ये इंटरलॉकिंग वेस्ट ना हो जाएगी, जब तक ये इंटरलॉकिंग ओवरकम ना हो जाएगी, ये इंटरलॉकिंग है, जब तक इसका ओवरकम ना हो जाएगा तब तक ये बॉक्स आगे नहीं खिसकेगा। और तब तक जितना आपने फोर्स लगवाया है, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है, दैट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। और उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उस फोर्स के बराबर है जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, उससे ना कम ना ज़्यादा। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे करके जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इंटरलॉकिंग टूट जाएगी और ये चलना शुरू कर देगा, है ना। तो when interlocking breaks and when interlocking breaks and body starts moving, then friction force is of kinetic kind, है ना, kinetic friction होगा, kinetic friction kinetic friction may be less than kinetic friction may be less than or equal to kinetic friction may be less than or equal to or more than the applied force। अब आप ये समझिए, आप थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन मे बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन द अप्लाइड फोर्स, कुछ भी हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हर हालत में अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा इस गेम को समझने की कोशिश करो कि क्या पंगा है। ध्यान दीजिए, हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसके लिए मैंने क्या कहा, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हमेशा जितना फोर्स लगाया है उतना ही स्टैटिक नेट अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड नेट फोर्स, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा हर हालत में। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का तो मामला डिफरेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब मोशन में हो, इसको आप मोटिव फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोटिव फ्रिक्शन, जब जब बॉडी मोशन में होगी। तो ये मे बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। कब कब क्या क्या होगा वो मे बी द अप्लाइड फोर्स? आप बात को समझिए कि स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अभी जैसे ये चीज है, एक ब्लॉक यहां रखा है, ये आपका ग्राउंड है,
ब्लॉक रखा है, कुछ नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसा आएगा। ध्यान देना, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स में और अप्लाइड फोर्स में। ये फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, ये कैपिटल एफ है अप्लाइड फोर्स, दोनों में ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, है ना। आप लोग पकड़ लीजिए बात को, एफ आर इज फ्रिक्शन फोर्स, कैपिटल एफ इज अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए ये ब्लॉक यहां रखा है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, अप्लाइड फोर्स भी जीरो है, सब कुछ जीरो है, राइट। अब आपने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ब्लॉक नहीं चल रहा, ब्लॉक नहीं चल रहा है, खिसक नहीं रहा, तो आपने जितना फोर्स लगाया है एग्जैक्ट उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी कि एफ और एफ आर दोनों बराबर होंगे पक्का, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा और 45 डिग्री एंगल पर आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना, इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होना चाहिए, राइट, अगर स्केल बराबर है तो, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की स्केल और अप्लाइड फोर्स की स्केल बराबर है तो आपके ये बराबर आएंगे, राइट। अच्छा, और जब बराबर आएंगे तो थोड़ी देर तक ये बराबर चलते रहेंगे, थोड़ी देर तक बराबर चलते रहेंगे, जब तक कि इसकी इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी। जब जब आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इंटरलॉकिंग पहले ही थी, पहले हो जाती है, जैसे ही बॉडी को रखते हो इंटरलॉकिंग हो जाती है, है ना। ये इंटरलॉकिंग क्या होती है, ये इंटरलॉकिंग इनके आपस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होते हैं, रफ सर्फेसेज होती है उनमें इंटरलॉकिंग होती है। फिर जैसे जैसे आप इसका फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद ये बॉडी का इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है और बॉडी आगे खिसकने लग जाती है। जब बॉडी आगे खिसकने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं लिमिट, स्टैटिक लिमिट, स्टैटिक लिमिट। तो यहाँ पर मान लो स्टैटिक लिमिट आ गई, ये स्टैटिक लिमिट होती है। तो एफ आर एस एल, एफ आर एस एल, इसे कहते हैं स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इस दुनिया में हो ही नहीं सकता उस बॉडी के लिए, तो ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे ही स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन पार होता है ये इंटरलॉकिंग टूट जाती है और ब्लॉक मोशन में आ जाता है। जब ब्लॉक मोशन में आता है तो इंटरलॉकिंग बहुत कम रह जाती है, लगभग लगभग खत्म हो जाती है और फ्रिक्शन फोर्स एकदम से रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होकर के फ्रिक्शन फोर्स गिर जाता है काफ़ी सारा, और फिर जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो कांस्टेंट रहता है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, इसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, राइट। हाँ, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये आपके अप्लाइड फोर्स से बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कैसे होता है ये अभी थोड़ी देर में मैं बताऊँगा, राइट। ये आपका हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एफ आर एस एल क्या है, इसे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये होता है बेटा म्यू एस इंटू एन, इसकी कैलकुलेशन होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि ये लेवल तक जो फ्रिक्शन होता है, इस लेवल तक एफ आर एस एल तक, ये एफ आर एस एल मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है, और सच में ये होता है कि इस फ्रिक्शन फोर्स के लेवल तक बॉडी पहुंचती है, पहुंचते ही इंटरलॉकिंग टूट जाती है, इंटरलॉकिंग टूटते ही बॉडी आगे खिसक जाती है, इसे हम कहते हैं कि ये जो है अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, बहुत कम हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ आर के, एफ आर के। तो ध्यान दीजिए एफ आर के को हम कहते हैं म्यू के एन, म्यू के एन इज नॉर्मल रिएक्शन, एन इज
नॉर्मल डायरेक्शन, तो एन इज ऑलवेज नॉर्मल डायरेक्शन। और म्यू के है आपका काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन राइट, हमेशा हमेशा म्यू के जो होता है वो लेस देन म्यू एस होता है। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ज़्यादा ज़्यादा इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता ये कभी भी, है ना। अब यहाँ आकर के मैं तीन लाइनें बोलूँगा, आप तीनों लाइनों को थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन, नो केस, इस दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं है जहां ऐसा हो। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स व्हाटएवर बी द काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस एन। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इस दुनिया में कहीं नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है। अच्छा, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैंने कहा कि अप्लाइड फोर्स से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए सबसे बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी कार रोड पर चल रही है, आपकी कार रोड पर चल रही है, करेक्ट। अगर आपकी ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कि वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होता है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यह हुआ कि फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इज इक्वल टू ऑल रेजिस्टिव और फ्रिक्शन फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट। फ्रिक्शन फोर्सेस सारे अपोजिट लगेंगे, इंजन ने जो फोर्स अप्लाई किया वो कांस्टेंट है, तो दोनों फोर्स जब इक्वल अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नेट फोर्स जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपकी कार एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है कार की, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, कार तेज जा रही है और बढ़ रही है स्पीड, तो इसका मतलब है कि अप्लाइड इंजन का जो फ्रिक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इट इज ग्रेटर देन द ऑल फ्रिक्शन फोर्सेज। जितने भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं कार पर, मल्टीपल फ्रिक्शन फोर्स हो सकते हैं, फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द रोड, फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द एयर, फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दी कुछ भी इंटरनल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, कार के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब में फ्रिक्शन है ना, तो ये नेट आपका ज़्यादा है तभी स्पीड बढ़ रही है। ओके, अगर आपकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब पक्का मान के चलो कि जो अप्लाइड फोर्स है इंजन का वो लेस देन दी फ्रिक्शन फोर्स है, तभी आपकी स्पीड घटेगी, समझ गए। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें हैं, ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें हैं। चल रहा है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, चल रहा है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक सरफेस है, मान लीजिए इस सरफेस का जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मान लीजिए 0.5 है, तो आप मान लीजिए जो सरफेस है इसका म्यू स्टैटिक 0.5 है और म्यू काइनेटिक सपोज 0.4 है। हम इस पर फोर्स लगाना चालू करते हैं और फोर्स की वैल्यू धीरे 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 करके बढ़ाते हैं। मान लीजिए बॉक्स जो है, मान लेते हैं बॉक्स 100 किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का
बॉक्स रखा है यहाँ पर, खिसकाना है, 100 किलोग्राम का बक्सा साहब बहुत भारी है, खिसकाना है आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये है, वो सॉरी कोफिशिएंट ये है, काइनेटिक ये है। इसका मतलब सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लें, एफ आर एस एल, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिससे कि ये ब्लॉक, ये बॉक्स जो है ना चलेगा, ये बॉक्स चलेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आप चेक करिए, जब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो ये आएगा म्यू एस इनटू एन, म्यू एस को हम कहेंगे 0.5, एन क्या है, एन है आपका 100 इंटू जी, जी को भी हम 10 कह देते हैं ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली 10 ही ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा 500 न्यूटन, ये आ जाएगा 500 न्यूटन। इसका मतलब जब 500 न्यूटन फोर्स हो जाएगा ना, तो ये बॉक्स चलना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ हमने एक फोर्स लगाया है, इस फोर्स का कुछ ऐसा सीन है कि 10 इंटू टी इसकी वैल्यू है, टाइम के साथ वेरी करना वाला फोर्स है, टाइम के साथ वेरी करने वाला फोर्स है, ये फोर्स टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अब आप बताइए, जब ये फोर्स टाइम के साथ बढ़ेगा तो टी इक्वल टू जीरो पर एफ कितना होगा, जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वो भी जीरो होगा। अगर हमने एफ इक्वल टू 10t लगाया है तो टी बराबर जीरो पर अप्लाइड फोर्स आपका जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। फिर मैं कह रहा हूँ टी इक्वल टू 10 सेकंड पर क्या हाल होगा, जरा सोचिए आप, टी इक्वल टू 10 सेकंड पर फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स होगा 100 न्यूटन। उस 500 न्यूटन की कैलकुलेशन का कोई महत्व नहीं है जब तक 500 न्यूटन पार नहीं होता, उसके बाद महत्व चालू होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंस होगा। मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की भी कैलकुलेशन करके पहले से रख लेता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी आएगा तो 0.4 इंटू एन आएगा, 0.4 इंटू एन यानी, एन यानी 100 इंटू जी, तो यानी कि 400 न्यूटन आएगा, है ना। ये बेटा 100 जी आपका धरती माता का फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन आपका 100 जी होता है, एन बराबर 100 जी, ये आप हमेशा याद रखें, राइट। ये 10 सेकंड पर इतना हाल हुआ। चलिए अब टी बराबर जरा 40 सेकंड पर देखना, कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा 400 न्यूटन, उस समय फ्रिक्शन फोर्स 400 न्यूटन ही होगा, इंटरलॉकिंग नहीं टूटेगी, इंटरलॉकिंग तो इस पर टूटेगी, 500 न्यूटन पर टूटेगी इंटरलॉकिंग, ब्रेक यहां होगा इंटरलॉकिंग का, है ना। ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, सब स्टैटिक, इसको सबको स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक स्टैटिक, ओके। टी बराबर 50 सेकंड पर क्या होगा, टी बराबर 50 सेकंड पर होगा एफ बराबर 500 न्यूटन, अब आपका ये टूट गया, अब धमाका उड़ेगा, ये आपका एफ आर एस एल है, एस एल लिमिटिंग, इसको हम बोलेंगे 500 न्यूटन। अब अगर आपने जरा सा भी बढ़ा दिया ना, इतना सा भी, तो दौड़ जाएगा, दौड़ जाएगा, इसका मतलब टी लिटिल ग्रेटर देन 50 सेकंड, लिटिल ग्रेटर देन 50 सेकंड, योर फोर्स विल बी लिटिल ग्रेटर देन 500 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एंड दिस विल बी 400 न्यूटन। इसके बाद में अगर आपने टी बराबर 60 सेकंड तक पहुंचा दिया तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 400 न्यूटन ही रहेगा, अब बढ़ेगा नहीं, बस एक बार बॉडी चल गई उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर आपने टी बराबर 100 सेकंड तक पहुंच गए अगर आप, तो आपका एफ बराबर हो जाएगा 1000 न्यूटन हो जाएगा, राइट। आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 400 न्यूटन ही रहेगा, यानी ये किसी सूरत में बदलेगा नहीं बाद में। तो आप देखिए आपका जो ग्राफ था उसे समझने की कोशिश करिए, वेर इज द ग्राफ, इट इज द ग्राफ, राइट, ध्यान दो, ये जो है ना आपका, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जो ग्राफ था आपका,
ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर एस एल, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट इज एफ आर के। इट इज एफ आर के, है ना। ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और ये फिक्स होता है, ये म्यू के इंटू एन होता है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ऐसा एक्चुअल में होता बहुत कम टाइम के लिए ही है। लगभग लगभग ये समझ लो कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स के लिए ही ये वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्योंकि उसके बाद में बॉडी चल जाती है। एक बार इंटरलॉकिंग टूटी, खत्म काम, फिर तो चल दिया। लेकिन तब तक आपका जो है बराबर रहता है, ये जितना अप्लाइड फोर्स है, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, यानी जितना आपने लगाया उतना ही होगा, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना। हाँ, तो इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल कहते हैं। देखो, आपको मैंने बताया होगा, सेल्फ एडजस्टेबल, यस, सेल्फ एडजस्टेबल, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है और कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होता जितना आपने लगाया। उससे ज़्यादा तो खैर फ्रिक्शन जो है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं हो सकता, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, उस अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो सकता है, अगर मोशन गिर रही हो, अगर मोशन गिर रही हो। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये चलिए, तो आपने ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब जब आप देखिए अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए, फॉर्मूला चार्ट में देखो, रेफरेंस फ्रेम हम कर चुके थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स वगैरह कर चुके थे, कॉज ऑफ फ्रिक्शन मैंने आज आपको बता दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बता दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बता दिया, राइट। हाँ जी, अब एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी तक हमने NLM का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कितने सारे फोर्स पढ़े थे हमने, देखो क्या क्या फोर्स पढ़े थे। टेंशन हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा था, है ना, स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हमने विचार किया था। ये सब हमारे फोर्स की लिस्ट थी भाई, क्या थी, फोर्स की लिस्ट थी। अब इस लिस्ट में हम एक फ्रिक्शन फोर्स को और जोड़ देते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं बच्चों कि एक फ्रिक्शन फोर्स और ऐड हो गया, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए थे, एक भी सवाल में फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस नहीं किया था। आज हम फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पता है क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल एक फोर्स और हो गया। हमारा जो कंसेप्ट है, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा वर्क आउट रहेगा। क्या है हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फिक्स है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, यानी अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस केवल हम फ्रिक्शन फोर्स को पहले काउंट नहीं करते थे, अब हम सवाल जब आएंगे हमारे, तो हम फ्रिक्शन फोर्स को भी काउंट करना शुरू कर देंगे, यानी हमारी काउंटिंग चालू हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की, बस और कुछ नहीं होगा, ऐड होगा। हर हालत में वही चीज आएगी, नेट फोर्स। इस नेट फोर्स को हम नेट ड्राइविंग फोर्स बोल देंगे, या तो उसके अंदर आपका फ्रिक्शन फोर्स भी सामने इंक्लूड होकर के आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, राइट। तो यानी कि हमारे इस फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है सिस्टम पर, केवल इतना सा फर्क पड़ा है कि जैसे पहले हम बाकी सारे फोर्सेज का सम करते थे, सबका टोटल कर देते थे, और टोटल करके फिर नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते थे, अब हम इसको भी उसमें जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं हुआ, और कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, मोशन और अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये दोनों ही बातें हैं, अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन,
मोशन की जो टेंडेंसी है ना उसका अपोज करती है। अब बात को समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां ग्राउंड है ना, एक मिनट मान लीजिए यहां ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में मान लीजिए कि आपके पास में एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, राइट। मान लो उसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा है, ओके। अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, ये सारा सिस्टम रखा हुआ था, अचानक से कोई आया और उसने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगा दिया तो इस ब्लॉक में टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी। जब इस ब्लॉक में टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी तो इस ब्लॉक की जो सरफेसेज हैं उन सब सरफेसेज पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। हमने इधर फोर्स लगाया तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में आई, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। आप बात को समझिए, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट दोनों सर्फेसेज पर, ऊपर भी और नीचे भी दोनों सर्फेसेज पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस ब्लॉक पर किधर लगेगा? नीचे वाले पर। जब ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा है, इसको फ्रिक्शन फोर्स वन मान लो, इसको फ्रिक्शन फोर्स टू मान लो, दोनों सर्फेसेज पर अलग अलग मान लो। अब ये फ्रिक्शन फोर्स वन लगा है ना बेटा इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स टू लगा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स टू इधर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स वन जो है, फ्रिक्शन फोर्स वन जो है वो इस ब्लॉक को चलाने की ट्राई करेगा। हाँ, ये खास बात है, इस ब्लॉक को चलाने की ट्राई करेगा दिस फ्रिक्शन फोर्स। इट मीन्स दिस लोअर ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, और इस कारण से इसमें इधर की तरफ चलने की टेंडेंसी होगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ये ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसने इसको चलाने की कोशिश की तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है Fr2, ये इसको चलाने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा, है ना। मोशन की टेंडेंसी होगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ आएगा, इसको आप Fr3 बोल सकते हो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, इसको आप Fr3 बोल सकते हो। यानी कि ऊपर वाला जो सबसे अपर मोस्ट ब्लॉक है वो इस फ्रिक्शन फोर्स Fr3 के कारण चलेगा, मोशन में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो चलाएगा नहीं किसी को, नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन, नॉट द मोशन, है ना। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन, खिसकने नहीं देना चाहता, वो कहता है तुम मेरे साथ साथ चल दो लेकिन खिसको मत। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन, है ना, मोशन का अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे ये चाहता है कि तुम मेरे साथ साथ चलो, दोनों फोर्स ये चाहते हैं कि तू इधर मत चलो, मेरे को छोड़ करके मत बढ़, और वो कहता है कि मेरे को छोड़ के मत बढ़, सब साथ साथ रहना चाहते हैं, सब साथ साथ रहना चाहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक कैपिटल एम है और ये ब्लॉक मान लीजिए स्मॉल एम है। अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अगर फोर्स लगा दिया तो होगा क्या, इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आ गई, जिसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आई है उसमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट हो जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ तो ये इसके कॉन्टेक्ट में है, वो उधर बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये इसके ऊपर लगेगा। अब इस ब्लॉक पर जो है ना इधर की तरफ टेंडेंसी आएगी तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आएगा। आप बात को समझिए, दोनों इस तरह से फ्रिक्शंस लगते चले जाएंगे। आपको मैं एक जो है ना जनरल रूल बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, अब ग्राउंड पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, चौथी, और भी हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, कितनी भी हो जी, रूल सबके लिए एक ही है। क्या रूल ये है? मान लो इसके ऊपर फोर्स लगा दिया हमने,
तो ये ड्राइविंग फोर्स है, बाकी किसी पर नहीं लगाया, बाकी किसी पर नहीं लगाया। अब देखिए, जिस बॉडी पर ड्राइविंग फोर्स लगा है, जिसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी, उसका फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, यानी उसके दोनों सर्फेसेज पर फ्रिक्शन आ गया। अब आप इस फ्रिक्शन को वन बोल दो, इसको टू बोल दो, अब पता है क्या होगा, ये फ्रिक्शन वन है ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन वन इधर लगेगा, जो उसके जस्ट कॉन्टेक्ट में है, जस्ट कॉन्टेक्ट में। फ्रिक्शन फोर्स को हम कॉन्टेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, और इक्वल अपोजिट लगता है वो हमेशा, तो उसके ऊपर लग गया एफ आर वन, इधर लगेगा एफ आर टू, इधर लगेगा एफ आर टू। अब सुनिए आगे क्या होगा, ये एफ आर टू लगा ना, तो ये अब एफ आर टू इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करेगा, इसमें मोशन की ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, तो ये इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, इसको आप एफ आर थ्री कह सकते हैं, फिर यहाँ फ्रिक्शन लग जाएगा, इसको आप एफ आर थ्री कह सकते हैं, फिर ये यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इसको आप एफ आर फोर कह सकते हैं, फिर यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इसको आप एफ आर फोर कह सकते हैं। ऐसा ही ये एफ आर वन था ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इसको आप एफ आर सिक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह दो जी, इसको आप एफ आर सेवन, एफ आर सिक्स, ये दोनों तो बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ एफ आर ग्राउंड आएगा। कुल मिलाकर के जितने भी फ्रिक्शन फोर्स होते हैं सब कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, इक्वल अपोजिट होते हैं सरफेस के ऊपर, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेज होती हैं, कॉन्टैक्ट सरफेसेज पर इक्वल अपोजिट होते हैं। अच्छा आप देखो, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का हमारा कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है म्यू इंटू एन। अब ये म्यू कौन सा है, स्टेटिक है तो स्टेटिक होगा, काइनेटिक है तो काइनेटिक होगा। अगर मोशन हो रही है तो आप काइनेटिक लिखेंगे, अगर मोशन नहीं हो रही है तो आप स्टेटिक लिखेंगे, जो भी सीन है, जो भी सीन है वो आप लिखेंगे, राइट। ओके, अब मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूँ। मान लो ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम, ये 3, 4, 5, 6, राइट। तो भैया यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बताओ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 15, 21 जी आ जाएगा, इस वाला नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये इन दोनों के बीच आएगा 21, ग्राउंड और इस बॉडी के बीच में। अच्छा, इन दोनों बॉडीज के बीच में कितना आएगा, इन दोनों बॉडीज के बीच में 15 न्यूटन का आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, 15 × g, 15 × g, यहाँ से कितना आएगा 10 × g, यहाँ से कितना आएगा 6 × g, यहाँ से कितना आएगा 2 × g, यहाँ से कितना आएगा 1 × g, अलग अलग आएगा। और हर हालत में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो वहाँ का म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब वो जो भी आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये डिपेंड करेगा मोशन के ऊपर। अगर मोशन नहीं हो रही है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तब तक ये लिमिट अभी है, ये क्या है लिमिट है, ये ध्यान रखना, ये लगता नहीं है कभी भी, लगता नहीं है। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए मैंने एक लाइन के अंदर एक बात बोल दी कि इट विल ऑलवेज बी नेट अवेलेबल फोर्स। अगर नेट अवेलेबल फोर्स उसकी लिमिट को पार कर रहा है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फिर तो काइनेटिक ही आएगा, फिर तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। अब देखो आप ब्लॉक के मूव करने का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, कैसे जाएगा, कब कौन सा ब्लॉक मूव करेगा। भैया ब्लॉक कोई सा भी मूव करे और कोई सा भी मूव ना करे, कंसेप्ट सिंपल है, जब जब जिस जिस ब्लॉक पर, जब जब जिस जिस ब्लॉक पर नेट अवेलेबल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर या ग्रेटर हो जाएगा, तब ब्लॉक स्लिप होना चालू हो जाएंगे, तब ब्लॉक स्लिप होना चालू हो जाएगा, करेक्ट, समझ गए ना। तो ये एक सिंपल सी बात बताई है मैंने आपको। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब देखिए क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जैसे मान लो कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रख दिया, तो ब्लॉक रख दिया तो बेटा ब्लॉक का एम जी नीचे की तरफ लगता है और इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहां पर, राइट, एन बराबर एम जी,
करेक्ट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को इधर की तरफ खिसकाया, फोर्स आपने एफ इधर लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो अब जब ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट ऐसा आएगा, इसे कहेंगे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ सी माने नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, तो देखिए नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैंने अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर और फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे, ये एन है और ये एफ आर है, तो रिजल्ट ये आएगा, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये इसमें मैंने एफ आर को म्यू इंटू एन नहीं लिखा, मैं लिखना भी नहीं चाहता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं कितना है, किसने जाना भाई, म्यू इंटू एन हर केस में नहीं होता ना फ्रिक्शन फोर्स। अगर स्टैटिक बॉडी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो फिर म्यू इंटू एन कैसे हो जाएगा? स्टैटिक में तो आपको बताया कि जितना आपने अप्लाई किया है उतना फोर्स होगा, तो ये बात है यहाँ पर। अब मैं जब इसके बारे में आगे बात करूँगा, तो यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये चीज़ है, तो अब मैं जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है ना, उसका मैं नॉर्मल के साथ में एंगल लूँगा। तो देखिए आप क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, क्या है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और मान लो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है बेटा। अब जब इसका रिजल्ट आएगा, तो बेटा ये रिजल्ट आएगा दोनों का, इसे हम एफ सी कहते हैं, एफ सी की वैल्यू ये होगी, पक्की ना? पक्की। ये जो एंगल होता है ना, इसको हम लैम्डा कहते हैं, That is angle of friction. That is angle of friction. तो ये angle of friction देखो, इसमें normal reaction के साथ में, vertical के साथ में जो angle बन रहा है ना, that is angle of friction. ये जो lambda है, इस lambda को आप क्या लिख सकते हो? तो देखो, lambda को मैं कह सकता हूँ tangent lambda, it is equal to friction force upon n normal. हाँ जी, perpendicular upon base. ये जो लैम्डा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए आप जो है ना, चीजों को समझिए थोड़ा सा। फ्रिक्शन फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हम नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं, और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन lambda is defined as angle between normal force and net contact force and net resultant contact force. ठीक है, ये आपका क्या हुआ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज कितना है, क्या होता है, मैं बता रहा हूं एंगल ऑफ रिपोज में, कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लैंक है, एक लकड़ी का तख्ता है, चिकना है काफी, अच्छा लकड़ी का तख्ता बनाया आपने, क्वालिटी बनाई है, लेकिन है तो लकड़ी का तख्ता ही है ना। अब इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया, लकड़ी के तख्ते पर आपने कोई ब्लॉक रख दिया, धीरे धीरे करके अब आप इस लकड़ी के तख्ते को ऊपर उठाओ, उठाइए ऊपर, फिर और ऊपर उठाओ, फिर और ऊपर उठाओ, फिर और ऊपर उठाइए, फिर और ऊपर उठाइए, एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसके बाद में
आपका ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये खिसकने लग जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज इज सच एन एंगल, सच एन एंगल ऑफ इंक्लाइन, सच एन एंगल ऑफ इंक्लाइन सरफेस। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज सच एन एंगल ऑफ इंक्लाइन सरफेस एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन starts sliding, यानी कि अभी तक स्लाइड नहीं कर रही थी। देखिए हमने ब्लॉक को यहां रखा, थोड़ा सा हमने इसको ऊपर उठाया, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाया, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाया, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाया, जब तक एंगल अल्फा नहीं हो गया, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर नहीं हो गया, तब तक ये स्लाइड नहीं करेगी। और जैसे ही स्लाइड कर देगी हम कह देंगे कि दिस इज दी एंगल ऑफ रिपोज। अब आप एंगल ऑफ रिपोज को समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लो ये मैंने आपको ड्राइंग बनाई और सपोज ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये अल्फा है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। इसका मतलब बेटा ये जो ब्लॉक है ना, दिस ब्लॉक विल जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब यही होता है। अब धरती माता का जो वेट है mg, वो तो इधर लगेगा है ना, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा mg साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा उसे क्या कहेंगे mg cos अल्फा। बेटा ये mg cos अल्फा है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पे स्लिप स्टार्ट होगा। स्लिप स्टार्ट होगा यानी इंटरलॉकिंग टूट गई, स्लिप तो तभी स्टार्ट होगा ना जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, तो इंटरलॉकिंग टूट चुकी है। किसने तोड़ी इंटरलॉकिंग, mg sin अल्फा ने इंटरलॉकिंग तोड़ दी। इसका मतलब यहां पर आपका एफ आर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग आएगा, एफ आर एस एल। अब देखिए एफ आर एस एल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, एफ आर एस एल, इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। क्योंकि जस्ट अभी इस एम जी साइन एल्फा ने इसकी सारी जो है ना फोर्स को तोड़ दिया है, लॉकिंग इंटरलॉकिंग को, इंटरलॉकिंग को तोड़ दिया, तो इसको मैं कहूंगा बराबर एम जी साइन अल्फा। अब म्यू एस इंटू एन, एन को हमने कहा है एम जी कॉस अल्फा बराबर एम जी साइन अल्फा। आप चेक करिए म्यू स्टेटिक आएगा आपका टेन अल्फा आएगा। जब तक आपका एंगल ऑफ इंक्लाइन इससे कम है तब तक स्लिप नहीं होगा, स्लाइडिंग मोशन नहीं स्टार्ट होगी। जैसे ही आपका एंगल इससे ज़्यादा हो जाएगा स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि फ्रिक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है रफनेस पर है ना, तो क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा बिल्कुल, कितनी नॉर्मल रिएक्शन आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है ना, हाँ कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है ना। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए आप, कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता लेकिन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे हैं ये क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक सरफेस है, आपने इस पे 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा, 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा,
अब 10 किलोग्राम का ब्लॉक आपने ऐसा रखा और एक ऐसा रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर आएगा, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने 10 किलोग्राम का गोला रख दिया, अब इसको कहते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट, यह है सरफेस कॉन्टैक्ट। इसको क्या कहते हैं? सरफेस कॉन्टैक्ट। इन दोनों कॉन्टैक्ट को क्या कहेंगे? सरफेस कॉन्टैक्ट कहेंगे। सरफेस कॉन्टैक्ट। ये आपने अगर गोला रखा है आपने, या सिलेंडर, सिलेंडर में तो लाइन कॉन्टैक्ट होगा, ये आपका गोला है, इसमें कहते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट। इस पे फर्क पड़ेगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट। एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर तो सिलेंडर जैसे मान लो इस तरह का है, अब इसमें लाइन कॉन्टैक्ट होता है बेटा, ये लाइन कॉन्टैक्ट है। लाइन कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कम होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट का और भी कम होता है, लाइन कॉन्टैक्ट, लाइन कॉन्टैक्ट। लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक आपने है ना एक किलो 10 किलोग्राम का जो है ना ऐसा ब्लॉक रखा, एक आपने ऐसा ब्लॉक रखा, तो बराबर ही आएगा फ्रिक्शन, अलग अलग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ अलग आएगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट पर अलग लगाएगा। सरफेस कॉन्टैक्ट का जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लाइन कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कम होता है, और पॉइंट कॉन्टैक्ट का और भी कम होता है। इसको रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे आपके साइकिल के अंदर अगर आपने व्हील देखा हो, फ्लाई व्हील देखा हो, तो साइकिल के अंदर एक फ्लाई व्हील आता है, उस फ्लाई व्हील के अंदर जो लगते हैं ना छर्रे, वो आपके पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं। बीयरिंग, बीयरिंग अगर आपने देखी हो कोई सी भी, तो जो बीयरिंग है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट का केस है। लाइन कॉन्टैक्ट आप देखो कि किसी सिलेंडर को आप लुढ़का करके ले जाओ तो थोड़ा इजीली चला जाता है, इजीली चला जाता है। तो देखिए आज हम आपके बात कर चुके हैं फ्रिक्शन के अंदर कहाँ तक, एंगल ऑफ रिपोज तक बात कर लेते हैं, कर लिया है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको आप जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमारे पास ये बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, मोशन ऑफ टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन अनदर, है ना। तो इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर का समापन समारोह करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते, आज की आज ही कर लो इसको कंप्लीट।